बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास एक अडाप्टर है, एसी डीसी अडाप्टर, और मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है इसका। और इनपुट जो है 100 से 240 वोल्ट स्टैंडर्ड, 50-60 हर्ट्ज, 1.3 एम्पेयर इनपुट पे, और आउटपुट पे 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर। ये इसकी प्लग की डिफिनीशन है। बहरहाल प्लग इसके साथ नहीं है, प्लग किसी ने काटा हुआ है, एक दोस्त ने भेजा है हमें रिपेयर के लिए, काम नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ से इसकी वायर जो है इन्होंने काट दी है। बहरहाल वायर उन्होंने शायद इस्तेमाल करनी थी कहीं। अब हम इसको आपके सामने पावर अप करते हैं, वोल्टेज टेस्ट करते हैं, और इसको ठीक भी करेंगे, और सब कुछ आपके सामने ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको 220 वोल्ट में इन करते हैं, तो इसने थोड़ा सा झमाका करके पावर लेता है, लेकिन आउटपुट के ऊपर हम मीटर से वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो फिर पता लगेगा कि ये दे रहा है वोल्टेज या नहीं। डीसी वोल्टेज पे कीजिए, क्योंकि 5 वोल्ट डीसी है तो ये डिवाइस। तो यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे, इसके क्या आउटपुट हमें देता है यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखें, ये आउटपुट कुछ भी नहीं दे रहा, मिली वोल्ट्स के अंदर है, ये 0.000 करके है, तो कुछ भी नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर टेस्ट करेंगे, यहाँ से बिजली से इसको निकाल लेंगे। बिजली से निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे कि यहीं पे ही इसका एक टेस्ट होता है जो कि बहुत ही आसान सा है, और वो ये है कि प्राइमरी साइड पे भी फॉल्ट हो सकता है, सेकेंडरी साइड पे भी फॉल्ट हो सकता है। मैंने इसको खोला हुआ है, बारह खुली हुई हालत में हमारे पास आया था। तो अब हम क्या करते हैं कि मीटर को ओम रेंज पे कीजिए, कंटिन्यूटी रेंज पे कीजिए, और ये आउटपुट के ऊपर जो इसकी दो तारें हैं इनके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। यहाँ कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब अंदर से ये सेकेंडरी साइड शार्ट हो चुकी है। देखिए, ये मैं इसको कंटिन्यूटी पे करूँ, ये देखिए फुल शॉर्ट शॉर्ट कंटिन्यूटी हमें मिल रही है। फुल शॉर्ट कंटिन्यूटी का मतलब ये वायर्स आप अंदर से, ये सिस्टम शॉर्ट हो चुका है। ये देखें, यहाँ इन वायर्स पे कंटिन्यूटी आपको इस तरीके की नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो ये अंदर से शॉर्ट है, और इसका प्रॉब्लम छोटा सा ही होता है, बहुत ज़्यादा पीछीदा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, खोलते हैं इसको। खोल के इसको सर्किट बोर्ड को अलग कीजिए, और फिर मैं आपको अंदर से फर्दर इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक अच्छी बनावट का चार्जर है, डिरप्टर है, यानी ये देखें, ये इसके डायोड्स देखें, बड़े बड़े डायोड्स इसके अंदर लगे हुए हैं, बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आईसी किस्म का इसका रेगुलेटर है, और यहाँ पे ऑप्टो कपलर आपको नज़र आ रहा है, फीडबैक भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये देखें, ये कहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, मैं आपको बताऊँ इसकी शॉर्ट होने की जगह। एक तो ये वायर है, ये केबल कभी कभी शॉर्ट हो जाती है अंदर से, ये प्रॉब्लम होता है। इसके बाद इसके अंदर ये कैपेसिटर जो है, ये भी आपको थोड़ा सा फूला सा नज़र आ रहा है, ये भी चेंज करने की ज़रूरत है। इस कैपेसिटर को भी चेंज करने की ज़रूरत है थोड़ी, ये अभी ठीक ही है, ये ज़रा सा है, तो इसको भी चेंज करने देना चाहिए। और इसके अलावा ये डायोड्स जो हैं दो, ये पैरेलल में हैं, ये भी शॉर्ट हो सकते हैं, इनमें भी शॉर्ट का चांस है, और इसके अलावा कैपेसिटर में भी शॉर्ट का चांस है, और ये छोटा कैपेसिटर जो है इसमें भी शॉर्ट हो सकता है, और इसके अलावा ये जो चौक है ये भी शॉर्ट हो सकती है, इसमें डबल वाइंडिंग होती है तो ये भी शॉर्ट हो सकती है, और इसके अलावा ये केबल भी शॉर्ट हो सकती है। तो हम अटैक करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, कहाँ पर शॉर्ट है हम देखते हैं। मैं आपको मीटर के ऊपर दिखा देता हूँ। मीटर से बाहर आपको इस शॉर्ट का पता इस तरीके से नहीं लगेगा कि सब कुछ पैरेलल में है, तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको पता लगे। डायोड पे चेक करते हैं, ये देखिए डायोड हमें फुल शॉर्ट बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायोड अगर फुल शॉर्ट बता रहा है तो ये मतलब यहाँ पे मसला है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारा शक की किस्म की बुनियाद पे, इसको हम शक की बुनियाद पे हम यहाँ पे ये डायोड निकालते हैं। दोनों डायोड भी आप निकाल सकते हैं, एक भी निकाल सकते हैं, एक वक्त में एक निकालिए, और इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखिए, पोलैरिटी याद रखिए कि कहाँ पे क्या था, ताकि दोबारा लगाने में आसानी हो। ये देखिए, अब हम इस डायोड को इस तरह से करके निकालने की कोशिश में हैं, अच्छा सा पिघलाइए ताकि ये निकल आए। ये देखें, ये निकल गया, गिर गया, और ये जिस तरीके से लगा था ऐसे लगा था, तो ये आपने याद रखना है कि ये किस तरीके से लगा हुआ था। दूसरा इधर लगा हुआ है, उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले इसको चेक कीजिए मीटर पे, इसको अगर ये शॉर्ट हुआ तो फिर तो हम आगे देखेंगे कि क्या किस तरह से हमने अटैक करना है आगे फर्दर। ये देखें, ये पहला कंपोनेंट ही हमें शॉर्ट मिल गया। ये देखिए, ये डायोड इस तरह शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जो सही डायोड होगा वो भी मैं आपके सामने टेस्ट करूँगा। ये पहला डायोड ही हमें शॉर्ट मिला। फर्दर हम यहाँ पे शॉर्ट देखते हैं कि शॉर्ट अभी बरकरार है या शॉर्ट ख़त्म हो गया, तो हमें वैसे यहाँ से पता लग जाएगा। ये देखिए, शॉर्ट हमारा दूर हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं कि शॉर्ट हमारा है कि ख़त्म हो चुका।
देखिए दोस्तों शॉर्ट हमारा ख़त्म हो चुका, मीटर के ऊपर कुछ रीडिंग आ रही है। ये देखिए मीटर के ऊपर कुछ रीडिंग ये दे रहा है लेकिन शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट ख़त्म हो चुका है तो हम एक डायोड की मदद से इस सर्किट को ऑन कर सकते हैं, लेकिन फर्दर ये जो डायोड हमने इसमें से ख़राब निकाला है ये हम चेंज करेंगे। तो हम एक डायोड की मदद से इस सर्किट को ऑन करने की कोशिश करते हैं और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। हमारे बहुत सारे दोस्त फिर बड़ी वीडियो से थोड़ा सा नालाम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बड़ी वीडियो क्यों है, गो के रिपेयर की वीडियोस बड़ी ही होती हैं। अब देखिए ये हमने कर दिया, लगा दिया। अब हम इसको 220 वोल्ट में लगाएंगे। एक डायोड से ही कम से कम हमें रीडिंग देगा कि ठीक हो चुका है कि नहीं। अब हमने इसको लाइन वोल्टेज में लगा दिया है। डीसी वोल्टेज भी कीजिए मीटर को और यहाँ पे टेस्ट कीजिए कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। 5 वोल्ट मिलने लगे, देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास। 5 वोल्ट आने का मतलब ये जो चीज़ है 5.2 वोल्ट दे रही है, इसका मतलब ये ठीक हो चुका। दूसरे प्लग में मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिए 5.22 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये चीज़ हमने सक्सेसफुली ठीक कर दी है। किस तरह से कि ये डायोड जो शॉर्ट डायोड था वो हमने निकाल लिया, लेकिन ये डायोड हम छोड़ेंगे नहीं। ये देखें इसके अंदर कौन सा नंबर लगा हुआ है, 1N5822 नंबर इसके ऊपर इसके अंदर लगा हुआ है। कोई भी फास्ट रिकवरी डायोड पावर सप्लाई में से, जो पावर सप्लाई की सेकेंडरी में डायोड लगे होते हैं, वो आपको काम देगा। किसी पुराने बोर्ड में से भी निकाल सकते हैं, नया भी ले सकते हैं इसके लिए, और वो डायोड हम इसमें लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये एक हमारे पास सही डायोड है जो कि हमने एक और पावर सप्लाई बोर्ड से लिया है, और इसको मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ कि ये कैसे बोलता है। जो ख़राब था वो ये पड़ा हुआ है, जो सही है वो ये है मेरे पास। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से रीडिंग देता है। अगर हम इसको डायोड रेंज पे करेंगे मीटर को तो ये एक साइड से रीडिंग देगा और एक साइड से नहीं देगा। किस तरह से ये देखें, एक साइड से रीडिंग बिल्कुल नहीं दे रहा, वो आउट ऑफ लिमिट्स दिखा रहा है OL, और दूसरी साइड से देखें तो क्या दिखा रहा है, 0.237। ये ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और अगर मैं इसको कंटिन्यूटी रेंज पे करूँगा तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये देखें कंटिन्यूटी इसमें है ही नहीं, ये शॉर्ट डायोड सिर्फ कंटिन्यूटी देता है। ये देखिए इधर देखिए, उल्टा करके लगाऊंगा तो भी नहीं होगा, ये बिल्कुल खाली, इसका मतलब ये ठीक है। और ये जो शॉर्ट डायोड है उसको अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये फुल कंटिन्यूटी बोल रहा है, मतलब ये शॉर्ट हो चुका है। तो ये सही वाला डायोड हम इसके अंदर लगाते हैं और इस पावर सप्लाई को फाइनल करते हैं। बहरहाल रिक्वायरमेंट ये थी कि इस पावर सप्लाई के वोल्टेज भी वो चेंज करना चाहते थे दोस्त हमारे, वो चाहते थे कि इसके वोल्टेज में वेरी करूँ 9 वोल्ट तक, वो चाहते हैं कि इसमें हो। तो 9 वोल्ट का इसको बनाएंगे, वो भी एक फर्दर वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि 9 वोल्ट का इसको किस तरह से बनाते हैं। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है कि इसको वोल्टेज बढ़ाए जाएँ किसी भी पावर सप्लाई के। आपके पास 5 वोल्ट की सप्लाई है और आप उसको 9 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, या 12 वोल्ट की सप्लाई है उसको 9 वोल्ट का करना चाहते हैं, 9 वोल्ट की सप्लाई है उसको 12 बनाना चाहते हैं, एक इंटरेस्टिंग काम है। बहरहाल आप हमारे साथ रहिएगा इस चैनल पर तो आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। साथ वाला जो सोल्डर है उसको भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि कभी भी ये ना कीजिए कि आप एक टंका लगाएं और दूसरा ख़राब कर जाएं, गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। साथ वाला जो है उसको भी ठीक कर देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको धुआं नज़र आ रहा है क्योंकि बिल्कुल ऊपर है। इस तरह से हमने इसको डायोड लगा दिया, देख लीजिए कहाँ से किस तरीके से लगाए, थोड़ा सा उठा के लगाया, कोई परेशानी नहीं, इस तरह से काम करेगा। और ये वन ऑफ द सेम पॉइंट है, ये जो वायर है इसके साथ, अगर इसके साथ टकरा भी जाए तो कोई परेशानी नहीं। बहरहाल एसी पावर में आपने ख्याल रखना होता है। ये आउटपुट डीसी सेकेंडरी है जिसमें लो वोल्टेजेस हैं, और फिर भी आपको ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे। अच्छा, मोहतात थोच के काम करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद फिर ये आराम से हम इसमें डाल देंगे, इसको लगा देंगे इसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसको पैक कर देंगे। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ को हम 9 वोल्ट से 5 वोल्ट से 9 वोल्ट में मॉडिफाई करेंगे, वीडियो आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह। और ये देखें अब हम इसको लगाते हैं, दोबारा टेस्ट करते हैं कि अभी लगाने के बाद सब कुछ करने के बाद ठीक है कि नहीं। ये देखिए ये हम वोल्टेज पे करते हैं मीटर को अपने, और यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट कीजिए। ये देखें 5.23 वोल्ट, 5.2 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। ये हमने इस तरीके से सही कर दिया और पावर के लिए भी ठीक कर दिया है। 5 वोल्ट के लिए बहुत उम्दा चीज़ बन गई है, ये अच्छा एडाप्टर है, पावरफुल चीज़ है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन
रिक्वायरमेंट ये है कि इसको 9 वोल्ट का बनाया जाए, तो 9 वोल्ट का नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में करूँगा। तो ये वीडियो इसके रिपेयर के ऊपर थी। हमने क्या किया, एक डायोड जो ख़राब था उसकी रिप्लेसमेंट के थ्रू हमने इसको सही कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ लर्निंग की है तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो से आप फ़ायदा उठाएं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।